दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने, आपका ही दोस्त निज़ाम, एक नए वीडियो के साथ। 5 क्रिप्टो टोकन बताऊंगा, यानी कि थंबनेल पर तो आपने देखा होगा चार क्रिप्टो, शानदार 4 क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन एक बोनस के तौर पर बताऊंगा, यानी टोटल 5 क्रिप्टो करेंसी आपको बताऊंगा जो आने वाले वक्त में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। हाँ, शर्त यह है कि आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। अभी मार्केट जो क्रैश हुआ है, मार्केट लगातार गिरती आ रही है, तो यहाँ पर उसमें किस तरह से अच्छा खासा प्राइस नीचे है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है ये बताऊंगा, और ध्यान से देखिएगा वीडियो को। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी चैनल की ओर से लगातार आपको क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और प्राइस की अपडेट दी जाती रहती है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं जो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट है, मैं उसको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। एक मैंने चैनल ओपन किया है क्रिप्टो स्टॉक निज़ाम हिंदी, काफ़ी लोगों को मालूम होगा, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा। जिन लोगों को ना मालूम हो जाकर ज्वाइन कर लो, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस, तो वहाँ पर जाकर सीखो और अच्छे से यहाँ पर ट्रेडिंग करो और एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो ट्रेडिंग में अगर यूथ हो तो। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं, देख सकते हैं टोटल टू यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप देखोगे तो एक राइज लगता दिखा था, फिर मार्केट नीचे आ गई थी, मतलब सारे ऑल्ट कॉइन्स डिप में चले गए थे। उसके बाद फिर एक अच्छा खासा राइज लगा, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरी। तो कितना गिरी, अगर हम इस टॉप से देखेंगे तो लगभग 60% यहाँ तक डाउन आई थी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 60% के आसपास डाउन आई थी, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट से कितना ऊपर गई थी, तो हम देखेंगे तो लगभग 177% ऊपर गई थी, ठीक है, यानी 180% समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक टॉप लगाने के बाद टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल ऑल्ट कॉइन्स कितना नीचे आई थी, तो हम देखेंगे तो लगभग 50% नीचे आ चुकी है, मतलब 1.70 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा था, अभी 1 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा ही समझ सकते हैं इसको कि इस टॉप से यहाँ तक मार्केट अच्छा खासा नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट कर चुकी है। तो ये जो एक क्रैश है, मतलब यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर सारी मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर ये जो एक क्रैश है, इस क्रैश का हमें फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वीकली चार्ट है, देखो मार्केट अगर 4-5 हफ्ते नीचे गिरती है तो 1-2 हफ्ते ऊपर रहती है, फिर मार्केट नीचे गिर रही है, फिर मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस पॉइंट के बाद तो केवल 1, 2, 3, 4 कैंडल्स ही, यानी वीकली चार्ट पर हमें 4 कैंडल्स ही यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं जो कि ग्रीन है, यही छोटा सा एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से इस पॉइंट से ही मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि मार्केट जब क्रैश करती है मेरे भाई, तो मार्केट का बॉटम तलाशना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें किस तरह से करना है, हमें इसको समझना होगा। देखो सिंपल सा यहाँ पर मैं बताता हूँ, पहले समझ लो कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, बाकी क्रिप्टो टोकन पता करने में तो टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर समझ लो कि जैसे कि अभी की बात कर रहा हूँ, कि जैसे अभी हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमारे पास पैसा मौजूद है, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं बोलते हैं सर सारे इन्वेस्टमेंट खत्म, मतलब सारा पैसा ही कैपिटल खत्म हो गई है, अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो यहाँ पर दोस्तों अब वो ख़त्म हो गई है तो आप सिर्फ उसको होल्ड कर सकते हो, आपके पास सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन जिनके पास अभी, काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते हैं सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कुछ तरीका बताओ कि किन किन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करें, किन किन क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करें, वो कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर जैसे कि आप समझ लो कि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है, आपके पास 1 लाख की, ये हो गया 1 लाख, 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अब आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर 5 क्रिप्टो टोकन बता रहा हूँ, तो आपको इस 1 लाख को डिवाइड करना है, ठीक है, आपको इस 1 लाख को डिवाइड करना है, किससे आपको डिवाइड करना है, 10, ठीक है, यानी 10 पार्ट कर लेना है। तो 10 पार्ट जब आप करोगे तो आपकी जो कैपिटल हो जाएगी 10 पार्ट में, पर पार्ट में, वो हो जाएगी 10,000 के आसपास। कितनी हो जाएगी, 10,000 के आसपास। तो हमें पार्ट टू पार्ट ट्रेडिंग करनी है इसमें। अब जैसे 5 क्रिप्टो टोकन हैं तो हम किसी क्रिप्टो टोकन में ज़्यादा लगाएंगे, किसी में कम लगाएंगे, अपने हिसाब से, ठीक है। हमें जो क्रिप्टो टोकन अच्छा लग रहा है हम उसमें ज़्यादा लगाएंगे, जो हमें थोड़ा सा हल्का सा वीक लग रहा है पहले क्रिप्टो टोकन से, हम उसमें थोड़ा सा कम लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जिसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। आप अपने मनी को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, ये तो आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे 10,000 के, 10 पार्ट 10,000 के, यानी टोटल रुपया हमारे पास हो गया 1 लाख, ठीक है, ये हमारे पास टोटल कैपिटल है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आपके पास जितनी कैपिटल हो उसको 10 पार्ट में डिवाइड आप कर लेना। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। अब हम चलते हैं और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिप्टो टोकन यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको खुद वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लगेंगे और काफ़ी डिप में है, मतलब काफ़ी पिटे हुए हैं। हमारा पहला क्रिप्टो टोकन है वो है सोलाना, यानी सोल, आप समझ सकते हो कि 91 USDT के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे तो जो ये ग्रीन लाइन है ना, ये प्राइस को दर्शा रही है, और जो येलो लाइन है यहाँ पर, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन को यहाँ पर आपके सामने दिखा रही है चार्ट पर। तो हम देखेंगे तो लगभग 258 का, यहाँ पर आप देखना जब मैं कर्सर को रखूँ तो ये देखो 258.90, यानी 260 ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि 260 का हाई लगाकर, और मार्केट अभी कहाँ पर पड़ी है, 91 USDT पर। मार्केट अभी कहाँ पर पड़ी है, 91 USDT पर। तो हम अगर और नीचे चलते हैं, इसकी रैंक की बात करते हैं तो 8th रैंक, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक ज़बरदस्त, एक बड़ा मार्केट कैप इसका,
और अगर हम इसकी बात करते हैं इसका क्या है ये, मतलब इसका प्रोजेक्ट क्या है, तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि इसकी खुद की ब्लॉकचेन है और ये क्रिप्टो टोकन नहीं है, ये है कॉइन। सोलाना को कॉइन बोलेंगे, क्रिप्टो टोकन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपनी ब्लॉकचेन पर चलता है। यहाँ पर आप इसकी ब्लॉकचेन का एड्रेस देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। तो दूसरा क्रिप्टो टोकन है दोस्तों हमारा डीसेंट्रा लैंड यानी माना कॉइन। अभी प्राइस 2.55 के आसपास, अपने टॉप से लगभग 50-60% तक डाउन है, ठीक है। यहाँ पर इसके चार्ट को देखो, येलो कलर की लाइन मार्केट कैपिटलाइजेशन को दिखा रही है और ग्रीन कलर की लाइन आपको मार्केट का प्राइस दिखा रही है, इस क्रिप्टोकरेंसी का प्राइस दिखा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 USDT से भी ज़्यादा का हाई लगाया था इसने, अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और अभी अगर लो की बात करेंगे तो इन्हें लेटेस्ट में लगभग 2 USDT के आसपास का लो भी लगाया है, अभी भी 2 और 2.5 USDT के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका डेटा खंगालते हैं, तो अगर इसकी रैंक की बात करेंगे तो देखो रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है, 31 रैंक है। मेटावर्स बेस्ड क्रिप्टो टोकन है जो कि एक वर्चुअल लैंड, मतलब वर्चुअल लैंड है इनका, जहाँ पर आप तो जाकर वर्चुअली को बाई कर सकते हो, बाद में NFT के तौर पर उसको रख सकते हो अपने पास, होल्ड कर सकते हो और बाद में उसको सेल कर सकते हो। आगे आने वाला वक्त जो होगा ना मेरे भाई, मेटावर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। इस तरीके से DeFi पीछे ज़बरदस्त तरीके से चला, NFT का दौर आया, वो भी अच्छे प्रोजेक्ट, NFT, मेटावर्स, गेमिंग, क्रिप्टो टोकन, ये सब एक ही, मतलब आप इसको मेटावर्स में ही रिलेट कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर ERC-20 बेस्ड क्रिप्टो टोकन है, तो यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है, मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसको हम अगर हम होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है यहाँ पर मेटावर्स प्रोजेक्ट्स का ही होगा। और सबसे पहला मेटावर्स प्रोजेक्ट है, काफ़ी पुराना है, ये आज का नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे तो 2017 के आसपास ये लॉन्च हुआ था मार्केट में, अभी 2022 चल रहा है, तो लगभग 5 साल पुराना क्रिप्टो टोकन है और बिल्कुल नीचे 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 चलता रहा और काफ़ी नीचे रहा, उसके बाद अच्छा खासा इसने हाइप लगाया अबकी के बुल रन में। तो अभी फ़िलहाल अपने प्राइस से काफ़ी ज़्यादा डाउन है, आगे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तीसरा हमारा मजबूत क्रिप्टो टोकन, शानदार क्रिप्टो टोकन है नियर प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पर हम देखेंगे तो 11 USDT के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें। फिलहाल अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई लगाया था, 20 USDT तक का हाई लगाया था, अभी इसने पीछे थोड़ा ही सा टाइम हुआ है, लगभग जनवरी के महीने में, ठीक है, और उसके बाद लगातार नीचे है और एक लो को क्रिएट करने के बाद अभी फिलहाल 11 USDT के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आपको अपनी कैपिटल को डिवाइड करना बताया ना, क्योंकि गिरती मार्केट में आप बॉटम तलाश नहीं सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ पर बस आपका फंडा यही होना चाहिए, अपनी पार्ट्स को 10 पार्ट में कैपिटल को डिवाइड कर लो, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर एक एक पार्ट से बाइंग बनाते चले जाओ, फिर वो रेट आपका एवरेज हो जाएगा और फिर जब लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको छोड़ोगे तो एक ज़बरदस्त बाइंग आपके पास होगी कि आपने एक बहुत बॉटम एरिया पर बाई किया। देखो गलती फंड उनके ही खत्म हुए हैं जिन्होंने टॉप एरिया पर बाई किया है दूसरों के कहने पर। यहाँ पर अगर हम रैंक की बात करते हैं देख सकते हैं 22 रैंक के साथ एक बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ यहाँ पर मार्केट में आपके सामने है। अगर यहाँ पर इसकी बात करते हैं इसका, तो देख सकते हैं कि नियर इज़ ए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट्स एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को गति देता है ये। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से और मेरी खुद की भी निजी होल्डिंग में ये तीनों क्रिप्टो टोकन है जो मैं बता रहा हूँ, ये खुद मेरी निजी होल्डिंग में है और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखे भी हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट हो सकता है। चौथा क्रिप्टो टोकन दोस्तों हमारा है पोलका डॉट, 17 USDT के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपनी वैल्यूज, अपनी जो ऑल टाइम हाई था अपनी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू यहाँ पर प्राइस में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट को देखेंगे तो हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ चार्ट दिख रहा है। फिलहाल हम देखेंगे तो देखो इस टॉप से अगर यहाँ पर हम देखेंगे इसके हाई को तो 53 के आसपास दिखा रहा है और यहाँ पर अगर इसके हाई को देखेंगे तो ये लगभग यहाँ पर 374 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 374 के बाद ये लगातार 50 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, 50 से नीचे गिरता है 50 तक पहुंचता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2-3 बार यहाँ पर पहुँचा, 2-3 बार यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी काफ़ी चीप प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है, 17.32 USDT के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मार्केट रैंक की बात करोगे दोस्तों काफ़ी अच्छी एक मार्केट रैंक है इसके पास 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका मार्केट कैप देख सकते हैं तो कितनी बड़ी एक मार्केट कैप है। अगर यहाँ पर ऊपर देखोगे BTC के फॉर्म में तो मार्केट कैप आप देख सकते हो 4,44,578 BTC के आसपास इसकी मार्केट कैप है। और अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों इनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि polkascan.io इसकी खुद की ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन बेस्ड ही प्रोजेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड आपके सामने सोलाना को ले लिया, पोलका डॉट को ले लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अपने टाइम से अपने हाइप से पिटे हुए हैं टोकन ये और जो इनकी वैल्यू होनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उस पांचवा क्रिप्टो टोकन जो होगा वो होगा कार्डानो, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दूंगा, कार्डानो के साथ एक क्रिप्टो टोकन और बताऊंगा, फिर आपको उसमें से डिसाइड करना है कि पांचवें क्रिप्टो टोकन के तौर पे जो मैं बोनस के तौर पे आपको दे रहा हूँ, यानी बोनस में भी मैं 2 क्रिप्टो टोकन दे रहा हूँ, आप दोनों को भी रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर एक क्रिप्टो टोकन को भी सजेस्ट कर आप सेलेक्ट कर सकते हो।
तो कार्डानो की बात करेंगे 87 सेंट। देखो पिछले 2021 में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर किसी क्रिप्टो करेंसी में हुआ था तो वो कार्डानो में हुआ था। ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो टोकन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर दो ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो टोकन रखते हैं तो उसके बाद हम कार्डानो को अगर ना रखें तो ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे मेरे हिसाब से कार्डानो अपनी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे, अगर यहाँ पर देखेंगे तो हम देखेंगे लगभग 3 USDT के आसपास इसका प्राइस चला गया था 2.97 तक। अभी हमें 86-87 सेंट के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्राइस यहाँ पर कार्डानो का है। रैंक की बात करोगे तो पोलका डॉट से भी ज़्यादा रैंक है इसकी, हाई 9th रैंक पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप एक बड़ी ह्यूज मार्केट कैप है इसके पास, ठीक है, आने वाले वक्त में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म है, और इस तरीके से देखो ब्लॉकचेन बेस्ड जो क्रिप्टो टोकन है, अगर BNB को देखोगे, सोलाना को देखोगे, कितना ज़बरदस्त इनका हाइप बना। यहाँ पर कार्डानो को अगर देखोगे तो उतना हाइप हमें बनता नहीं दिखा अभी कार्डानो, मतलब इस बुल रन में भी कार्डानो उतना ऊपर नहीं गया जितना मुझे मैं इसको देख रहा था। कार्डानो मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में 10 USDT 15 USDT के आसपास आपको बहुत ईजिली देखने को मिलेगा। थोड़ी सप्लाई इसकी ज़्यादा है, सप्लाई टाइम टू टाइम अगर डिक्रीज़ होती है, बर्निंग होती है, तो प्राइस में ग्रोथ आती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शिबाइनो को मसाले के तौर पे आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, काफ़ी बार मैंने बताया है, और इसको मसाले के तौर पर रख सकते हो। मीम टोकन है, एथेरियम की ब्लॉकचेन पर चलता है और कुछ ब्लॉकचेन पर और भी आ गया है। अगर यहाँ पर इसके चार्ट की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी टॉप से नीचे गिरा हुआ दिख रहा है हमें, और अच्छा खासा इसने टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट भी दिया है, और लोग काफ़ी इससे लगाव करे हुए हैं कि मतलब मीम टोकन है, शिबाइनो हर तरफ से यही बात होती है, बस शिबाइनो। तो यहाँ पर शिबाइनो को अपने पोर्टफोलियो के साथ इन स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ रख सकते हो जो मैंने यहाँ पर अभी आपको सजेस्ट किए हैं, ठीक है। अब इसकी रैंक की बात करते हो तो 14th रैंक, वेरी गुड, और उसके बाद अगर इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हो तो ज़बरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर यहाँ पर BTC के फॉर्म में इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 3,51,646 BTC के आसपास यहाँ पर मार्केट कैप यहाँ पर दिख रही है अभी फिलहाल, जब ये इतना इस टॉप से इतना नीचे गिर चुका है जब, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके सामने, इसको आप कर सकते हो। ऑप्शनल मैंने दिया था कि बोनस के तौर पर, तो उसमें मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, कार्डानो को रख सकते हो या शिबाइनो को रख सकते हो। बाकी जो मैंने इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया है कि कैपिटल को किस तरह से 10 पार्ट में डिवाइड करना है, आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो आपको 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1,000 एक पार्ट में आएगा, आपके पास 1,00,000 की कैपिटल है तो आप वहाँ पर उसके 10 पार्ट करोगे तो 10,000 एक पार्ट में आएगा। उन 10 पार्ट से धीरे धीरे आपको बाइंग बनानी है और यहाँ पर एक अच्छा खासा एवरेज प्राइस करके रख के बैठ जाना है, उसके बाद आगे आने वाले वक्त का इंतजार करना, जब इनका हाइप बढ़ेगा तब आप याद करोगे कि ये क्रिप्टो टोकन कितने मजबूत थे और कितना अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। यहाँ पर वो बंदे मायूस ना हो जो अपने फंड को पूरी तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके पोर्टफोलियो 50% 60% तक डाउन है, अब उनके पास फंड नहीं है इसमें लगाने का, तो उनको मेरी राय यही है वो उस क्रिप्टो टोकन्स को होल्ड करें, आगे जब भी यहाँ पर बुल रन स्टार्ट होगा वापसी तो वहाँ पर वो अच्छे खासे रिटर्न देंगे जो भी क्रिप्टो टोकन होंगे। देखो बुल रन में जो बिल्कुल थर्ड क्लास क्रिप्टो टोकन भी होते हैं वो भी अच्छा खासा राइस पकड़ते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर ठोकना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शेयर करना, और जो लोग नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं देख रहे हैं वीडियो को हमारे, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, और फ्री में अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो मेरे भाई तो क्रिप्टो स्टॉक निज़ाम हिंदी टाइप करना यूट्यूब पर और उस चैनल को सर्च कर लेना, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी काम की और काफ़ी अच्छी अपडेट देता हूँ दिल से, क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप लोगों की हेल्प के तौर पर वो चैनल मैंने स्टार्ट किया, उस चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन करना, इस चैनल को भी ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आप प्राइस के अपडेट के साथ साथ जो भी मेरे सजेशन वगैरह हो, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह हो, वो आपको लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ किसी यूनिक कंटेंट के साथ फिर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।